नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। में हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना पूरा प्रदेश कर रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों का लगातार मेदांता अस्पताल में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में एक समर्थक अमेठी से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए आया है। आपको बता दें कि दिव्यांग अय्याज रिक्शे और बस से सफर कर गुरुग्राम पहुंचा है। हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 से जब बातचीत के दौरान अय्याज ने बताया कि वह नेताजी की मोहब्बत में यहां तक आया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि वह अभी तक शिवपाल यादव और उनकी वाइफ से भी मिल चुके हैं। नेताजी से मुलाकात ना हो पाने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन वो बराबर ये भी कामना कर रहे हैं कि नेताजी ठीक हो जाए और 10-20 साल और जिए। अखिलेश यादव के बारे में जब हमने अय्याज से पूछा तो अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से तो वह 62 बार मुलाकात कर चुके हैं। अखिलेश यादव तो उनके चेहरे से जानते हैं। अय्याज की माने तो जब तक नेताजी ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक वह यहीं रहेंगे और यहीं पर सोएंगे। आपका मोहम्मद अय्याज नाम है। अय्याज कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अमेठी जिला से। यहाँ पे क्या करने आए हैं? नेताजी को देखने। मिले आप नेताजी? जी अभी तो नहीं मुलाकात हुई, वो ICU से वेंटिलेटर पे चले गए हैं। हाँ। तो अभी कहाँ मुलाकात हो पाएगी। तो कैसे आए हैं यहाँ तक आप? जी हम नेताजी की मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं। जी कब से नेताजी को फॉलो कर रहे हैं और कब पता लगा आपको बीमार हैं? हम तो 2 दिन हो गए पता चले, तो 2 दिन घर पे काम था तो हमने कहा कि कल निकले थे वहाँ से, तो फिर उसके बाद आज सुबह यहाँ पहुँच गए, कश्मीरी गेट पे पहुँचे थे, फिर वहाँ से टेम्पू पकड़े, टेम्पू वाले से कहे कि पंडारा पार्क लेके चलो, 5 बजे रात में वहीं पहुँच गए, फिर वहाँ से फिर हम यहाँ डायरेक्ट चले हैं, फिर यहीं हैं, फिर गए नहीं कहीं। हॉस्पिटल में मना नहीं किया किसी ने कि नेताजी? जी नहीं, किसी ने नहीं मना। किससे मिले आप हॉस्पिटल में अंदर? किससे मिले हैं, कौन कौन था हॉस्पिटल? अभी हॉस्पिटल में हमने मिले शिवपाल चाचा से और उनकी वाइफ से। जी और बहुत नेता हैं। कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आए लोग? इधर बलिया के हैं कुछ, गाजीपुर के कुछ, इधर कन्नौज के हैं, एटा के हैं, बहुत जगह के। 2-3 दिन से लग रहा है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी हम लोग तो यही ऊपर वाले से अल्लाह से भी दुआ करेंगे, भगवान जी से भी ये दुआ करेंगे, गॉड से भी ये दुआ करेंगे, ठीक हो जाए, 10-20 साल उनकी उम्र और बढ़ जाए। तो नहीं आप हॉस्पिटल में आए तो आपको बताया ना कि कैसी कंडीशन है नेताजी? तो बताएं कि अब पहले से थोड़ा ठीक है। अभी कहाँ पे हैं, कौन से वार्ड में, कुछ नहीं बताया आपको? ये वार्ड तो इनका 15 नंबर पे है ऊपर। अखिलेश भैया से नहीं मिले आप? अखिलेश भैया अभी आए नहीं, बल्कि हम लखनऊ में उनसे 61 बार मिल चुके हैं, 62 बार बल्कि। किन से? अखिलेश यादव जी से। अच्छा, उनके पुत्र से भी मिले, उनके दोनों बेटीज भी मिले हैं। जानते हैं आप? जी बिल्कुल, चेहरे जानते हैं अखिलेश जी। अब जैसे कहीं अभी हम लोग चुनाव में भी गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। जी मैं सफाई से लेकर एटा तक, एटा से वापिस। अच्छा जी, अभी यानी आप जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको मिलने नहीं देंगे? नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग खुद चले जाएंगे अपने आप। तब तक आप कहाँ रहेंगे? तब तक भैया देख लीजिए, हम कहीं भी सो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमें नेता बनना, हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही रहने दीजिए। माँ बाप को बता के आए हैं आप? जी पिताजी को बता के आए हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के समर्थक उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने की कामना कर रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। उनको देखने वालों का मेदांता में तांता लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने क्रिटिकल केयर यूनिट में आमजन के मिलने पर पाबंदी लगा रखी है, लिहाजा सपा प्रमुख से सिर्फ परिवार के सदस्य ही मिलने जा रहे हैं। इसी क्रम में नेताजी की बीमारी की खबर सुनकर अमेठी निवासी अय्याज ने मेदांता अस्पताल पहुंचा। वह बस, रिक्शा और ऑटो से सफर करते हुए अमेठी से गुरुग्राम आया है। गौरतलब है कि शनिवार शाम को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव को क्रिटिकल केयर यूनिट में एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। फिलहाल किडनी में गंभीर इन्फेक्शन की वजह से उन्हें लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।